हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का दोस्त यह आशीष गुप्ता, और आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे ये खास वीडियो जो है हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया, हमारी तक्षशिला की जो टीम है और मैंने। तो पहली बात तो आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के अंदर भी देखा जाए तो हर इंसान में एक टीचर होता है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इंसान को वैसे भी देखा जाए तो ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले और बड़े टीचर जो आप लोगों की ज़िंदगी में है वो आप लोगों के पेरेंट्स हैं। तो देखिए, मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले आप लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करें, उनका आशीर्वाद लें। और आज के दिन जो भी आपकी ज़िंदगी में और भी जो बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, जो आपको लगता है कि उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है और उन्होंने आपकी लाइफ को चेंज करने में मदद करी है, तो उनको प्लीज़ आज ज़रूर फ़ोन मिलाएँ और उनको टीचर्स डे विश करें। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको प्रोफाइल बता दूं कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे CA CS CMA के एग्ज़ाम्स में बच्चों की हेल्प करता हूं, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स में। तो हमें भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट से सीखने को मिलता है। और एक एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टारगेट्स हैं, हर कोई सक्सेस पाना चाहता है। तो सक्सेस देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई आसान चीज़ नहीं है, ऐसे ही नहीं मिलती। अपने आप को हर वक्त एक मेहनत के लेवल पे मोटिवेट करके रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो सक्सेस के दो स्टेप्स हैं, जो मैं ये मानता हूँ कि आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। मतलब पहला तो अपनी कमियों को पहचानो, और देखा जाए तो शायद हम में से बहुत सारे लोग पहला स्टेप भी ढंग से नहीं करते। तो आप अपनी कमियों को पहचाने जो भी कुछ है, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी मोमेंट पे डीमोरलाइज ना हो। अगर आपका कोई अटेम्प्ट एक बार रह भी गया हो तब भी आप डीमोरलाइज ना हो, अपनी मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करें, उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, अपने उन टीचर्स की मदद लें, और फिर से एक तरीके से अपने एक जुनून के साथ आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक एक तरीके से टारगेट अचीव नहीं होता तब तक आप हार मत माने, तब तक आपको मंजिल नहीं मिली है। तो सुल्तान में भी सलमान खान साहब ने कहा था कि हम हार तब जाते हैं जब हम हार मान लेते हैं। तो जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक कोई आपको हरा भी नहीं सकता। तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ, जोश के साथ आप लोग लगे रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लूँगा। तो आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे ये वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जल्द ही मुझे किसी ना किसी और टॉपिक पे, यूजफुल टॉपिक पे आप लोग ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मैं और हम मेरी तक्षशिला की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।